3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज़। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। 20 दिन की पैरोल पर गया कैदी फरार, सिविल लाइन्स थाने में मामला दर्ज। सिविल लाइन्स थाना पुलिस जुटी कैदी की तलाश में। 3 तलाक के मामले में अजमेर में पहली गिरफ्तारी। 1.5 महीने पहले पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ दर्ज करवाया था 3 तलाक देने का मुकदमा। विस्फोटक सामग्री की अफवाह के बाद दरगाह थाना पुलिस ने चलाया जाँच अभियान। पुष्कर पुलिस को मिली थी सूचना, नहीं लगा कुछ हाथ। घर में मिला 40 वर्षीय युवक का 5 दिन पुराना शव, पुलिस ने कब्जे में लेकर रखवाया मोर्चरी में। पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी जानकारी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने नई स्थानांतरण की सूची का किया विरोध, प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को आंदोलन की दी चेतावनी। राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक महासंघ ने कलेक्टिव पर किया प्रदर्शन, पिछले 5 माह से नहीं मिला मानदेय। गोसेवा सद्भावना पदयात्रा पहुंची अजमेर, ललिता कन्या कुमारी होते हुए अजमेर पहुंची पदयात्रा। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com। सच के साथ।